नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्टकेयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड ग्रुप एडिटर चीफ मेडटॉक्स। गुरु पूर्णिमा का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है क्या? दक्षिणायन में चतुर्मास के स्टार्ट में गुरु पूर्णिमा होती है, जहां पे हम गुरु को प्रणाम करते हैं और गुरु से सीख लेने की कोशिश करते हैं। नवाय चतुर्मास वाय दक्षिणायन, बिकॉज इस समय में मेलाटोनिन लेवल्स शरीर में सेरोटोनिन लेवल्स ज्यादा होते हैं, दिन छोटे होने चालू हो जाते हैं, रातें बड़ी होनी चालू हो जाती हैं, हमारे शरीर में नेगेटिविटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमारे को ज्यादा लिप्त होना पड़ता है। इस पीरियड में हमारे पास में स्पॉन्टेनियस आंसर्स नहीं मिलते, हमारे शरीर के अंदर में हमारे डिजायर्स की अनफुलफिल्ड थॉट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं और टर्मोइल ऑफ द थॉट्स इन द माइंड आर हायर। इसके लिए मुझे डायरेक्शंस चाहिए। जो लोग ज्ञान मार्गी हैं वो मेडिटेशन करके पैरासिंपैथेटिक स्टेट में जाके अपनी नेगेटिविटी को कम करते हैं, बट ज्यादातर लोग भारत के अंदर में भक्ति मार्ग में विश्वास करते हैं, उस सिचुएशन में उन्हें गुरु चाहिए जो उनको गाइड करे कि मन में कोई भी नेगेटिविटी आए तो उसे कैसे सॉर्ट आउट करें। सो देयरफॉर देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट गुरु। वन वे ऑफ लुकिंग एट गुरु इज दैट आई नीड एन एक्सटर्नल गुरु हु गाइड्स मी ड्यूरिंग दिस पीरियड हाउ टू टेक ए राइट एक्शन। सेकेंड इज जी यू आर यू। यू आर यू मीन्स यू आर दी यू, यू इज कॉन्शियसनेस। तो सेकेंड इज दोस हु आर ज्ञान मार्गी, दे गो इन टू द साइलेंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस, आस्क देयर कॉन्शियसनेस टू टेक द राइट डिसीजन। द थर्ड इज गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्ण मा, इट कैन बी डिवाइडेड एज दैट मा मेरी माँ और माँ जैसी कोई भी औरत मेरी पूर्ण रूप से गुरु है। वेन एवर आई इन डिफिकल्टी आई गो टू माई मदर एंड आस्क फॉर हाउ टू डू एक्शन इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। द वन हु गाइड्स वेदर इज एन एक्सटर्नल गुरु और वेदर ही इज माई इंटरनल गुरु माई कॉन्शियसनेस और माई सर्व गुरु माई मदर, वेन एवर आई सीक एनी आंसर एनी सोल्यूशन आई गो टू द गुरु। थैंक यू।